हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताऊंगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस हेडिंग को डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, आपको पहले तो सेम इस प्रकार का एक चित्र बनाना है। क्या करना दोस्तों? सेम इस प्रकार का चित्र बनाना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस चित्र को पहले तो ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से समझेंगे नहीं तब तक आप उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब नहीं बना सकते। तो दोस्तों हमारा पहला काम है कि इस चित्र को ध्यान से समझना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा M1 और M2 है ना, ये M1 और M2 ये हमारा उत्तल दर्पण है। क्या है दोस्तों? हमारे ये उत्तल दर्पण। अब दोस्तों इस उत्तल दर्पण से कुछ दूरी पर, इस उत्तल दर्पण से कुछ दूरी पर हमारी वस्तु A और B रखी है। क्या रखी है दोस्तों? वस्तु A और B रखी है। अब दोस्तों इस वस्तु A और B से हमारी दो आपतित किरणें निकलनी है। कितनी आपतित किरणें निकलनी है? दो आपतित किरणें निकलनी है। दोस्तों आपतित किरणें उन्हें कहते हैं जो किरणें दर्पण की ओर जाती हैं। पहली जो हमारी आपतित किरण है A और M, ये दर्पण की ओर जाती है। किसकी ओर जाती है दोस्तों? दर्पण की ओर। तो दोस्तों जब हमारी आपतित किरण A और M दर्पण की ओर जाती है तो दर्पण से क्या होती है, वह आपतित किरण टकराती है। और दोस्तों टकराने के बाद किरण का क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? परावर्तन होता है। और परावर्तन के बाद दोस्तों जो हमारी परावर्तित किरण है वो कहाँ जाती है? फोकस F पर जाती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है? फोकस F पर जाती हुई प्रतीत होती है। अब जबकि दोस्तों हमारी जो दूसरी आपतित किरण है A और O, जबकि दोस्तों हमारी दूसरी आपतित किरण कौन सी है? A और O। यह जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है दोस्तों? परावर्तन होता है इस किरण का। क्या होता है दोस्तों? परावर्तन होता है इस किरण का। और परावर्तन के बाद ये कौन सी किरण बन जाती है? हमारी परावर्तित किरण बन जाती है। तो परावर्तित किरण कहाँ जाती है दोस्तों? ये वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। कहाँ जाती हुई प्रतीत होती है? वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों ये जो हमारी परावर्तित किरण है ये वक्रता केंद्र C पर जाती हुई प्रतीत होने के कारण तो ये जो हमारी जो किरण है वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से ये आपतित किरण आती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। दोस्तों हमारी जो दोनों परावर्तित किरणें हैं दोस्तों, यहां तक तो हमारी ये आपतित किरणें थी, यहां आकर हमारी क्या बन गई दोस्तों? परावर्तित किरणें बन गई हैं। तो दोस्तों हमारी ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें कहां मिलनी है? ए डैश बी डैश पर। कहां मिलनी है दोस्तों? ए डैश बी डैश पर। यह वाली परावर्तित किरण भी हमारी यही मिल रही है, ये वाली परावर्तित किरण भी हमारी यही मिल रही है, ए डैश बी डैश पर। तो दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? ए डैश बी डैश पर। कहां बनता है दोस्तों? ए डैश बी डैश पर। तो दोस्तों यही है इस चित्र का पूरा रूपरेखा। दोस्तों सेम इसी प्रकार से हमें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। क्या करना दोस्तों? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। तो दोस्तों ये आपको चित्र पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको ये चित्र पूरी तरह समझ में आ गया ना तो आप उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो थ्योरी है वो आराम से लिख सकते हो। अब दोस्तों आपको थ्योरी कैसे लिखनी है? पॉइंट बाई पॉइंट लिखनी है, इसे समझिए। दोस्तों आपको पहला पॉइंट डालना है और पहले पॉइंट में लिखना है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ए और एम दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि A और B हमारी क्या है दोस्तों? वस्तु है। अब इस वस्तु से हमारी कितनी किरणें निकलनी है? दो आपतित किरणें निकलनी है। तो दोस्तों हमारी जो पहली आपतित किरण है A और M, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। किसके समांतर चल रही है दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। तो दोस्तों जो हमारी पहली आपतित किरण है A और M, ये दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस F की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। कहां जाती हुई प्रतीत होती है? फोकस F पर जाती हुई प्रतीत होती है। अब दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट में लिखना है दूसरी आपतित किरण A और O वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होने के कारण वापस उसी मार्ग में लौट जाती है।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी दूसरी आपतित किरण है ए अरुण, जो हमारी दूसरी आपतित किरण है ए अरुण, यह आपतित किरण दर्पण से टकराती है। टकराने के बाद यह आपतित किरण का परावर्तन होता है। इस आपतित किरण का क्या होता है दोस्तों? परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हुई प्रतीत होती है दोस्तों? वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण से दोस्तों ये जो हमारी किरण है ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। तो दोस्तों आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, दोनों परावर्तित किरणें ए डैश पर काटती हैं, इसलिए वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर सीधा आभासी छोटा प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये वाली परावर्तित किरणें और ये वाली परावर्तित किरणें, ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं ये कहां पर काट रही है? ए डैश पर काट रही है। कहां पर काट रही है दोस्तों? ए डैश पर काट रही है। तो दोस्तों जो हमारा वस्तु ए और बी का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा? ए डैश बी डैश पर बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों? ए डैश बी डैश पर बनेगा। दोस्तों कैसा बनेगा? आभासी छोटा। कैसा बनेगा दोस्तों? आभासी छोटा। हमारे ए बी का प्रतिबिंब कहां बनेगा? ए डैश बी डैश पर। कैसा बनेगा? आभासी छोटा। तो दोस्तों यह तीन पॉइंट आपको लिखने हैं। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस चित्र की थ्योरी आपको किस तरीके से लिखनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है? अब आपको चौथा पॉइंट डालना है और उस चौथे पॉइंट में आपको हेडिंग डालनी है, उत्तल दर्पण का सूत्र। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? उत्तल दर्पण का सूत्र। तो दोस्तों आपको उत्तल दर्पण का सूत्र भी लिखना है। दोस्तों उत्तल दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U + 1/V। ये दोस्तों क्या होता है? हमारा उत्तल दर्पण का सूत्र होता है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, 1/F बराबर 1/U + 1/V, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण का सूत्र है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आखिर कैसे बनता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।